देखो ये नए और पुराने की कंडीशन है। बदलवाने वाला हूँ मैं मोबाइल का इंजन ऑयल, स्पार्क प्लग देखो कंडीशन कैसी है, सेकेंडरी फिल्टर कंडीशन देखो कैसे हो रखी है। इसको क्लच सिस्टम बोलते हैं। ये बेल्ट होती है, इसकी लाइफ होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ अपनी एक्टिवा की सर्विसिंग कराने एंड मैं बताता हूँ भाई सबसे पहले कितना चल चुकी है। 55,000 222 किलोमीटर चल चुकी है। लास्ट सर्विस जो इसकी हुई थी ना वो अराउंड 2,500 से 3,000 किलोमीटर पहले हुई थी एंड अभी इसमें ऑयल चेंज होगा। एयर फिल्टर का पता नहीं शायद चेंज हो या नहीं, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इंजन ऑयल तो हर सर्विस पर चेंज होता ही है। बाकी स्पार्क प्लग्स भी चेक कर लेंगे, अगर कंडीशन ओके हुई तो ठीक है, नहीं तो वो भी हम रिप्लेस करा देंगे। एंड बाकी आप हालत देख सकते हो कैसे हो रखी है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। सर्विसिंग वॉशिंग तो हो ही जाएगी। बाकी इसका गेयरबॉक्स वाला एरिया जो है किक जहाँ पे होती है ये भी शायद पूरा क्लीन करवाऊंगा मैं अच्छे से। हो सकता है मैं इसको इस बार शोरूम से ना कराऊं सर्विस, या तो बाहर अच्छी वर्कशॉप पे कराएंगे। एंड किलोमीटर मैंने आपको बता दिया 55,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो अभी देर नहीं करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, साफ थोड़ा कर लेता हूँ, मिट्टी ज़्यादा हो रखी है ना। बाकी सर्विसिंग में वॉशिंग तो होगी अच्छे से। इसकी हालत देखो नीचे से कितनी गंदी हो रखी है, तो अभी इसको प्रॉपर क्लीन भी करा लेंगे। तो भाई मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे सर्विस एंड अभी चलते हैं अंदर करवाते हैं इसकी सर्विसिंग। मैं हर एक चीज़ अपने सामने कराता हूँ, मैं इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ दिखाने वाला हूँ क्या क्या इसमें काम होने वाला है। तो पूरा इस वीडियो में बने रहना एंड तक एंड हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हर बार नहीं करानी चाहिए, जिसकी ज़रूरत कभी कभी पड़ती है। बट कई बार क्या होता है, जिसको ज़्यादा नहीं पता होता ना वो ट्यूनिंग हर सर्विस पर छिड़वा देते हैं, मतलब ऐसे ऐसे काम होते हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो अभी सबसे पहले इसको पूरा खोल लेंगे ताकि बॉडी ऊपर हो जाए एंड उसके बाद प्रॉपर काम होगा तरीके से ना। लास्ट टाइम मैंने इसमें मोबाइल का सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाया था एंड काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, पिकअप में काफ़ी फ़र्क आ गया था। एंड मैं इस बार भी वही डलवाने वाला हूँ, देखता हूँ ब्रांड, मोस्ट प्रॉब्ली मैं इस टाइम भी वही डलवाने वाला हूँ। तो अभी आप देख सकते हो उसको पूरा ना ओपन कर दिया अब एंड अभी इसका इंजन ऑयल चेंज होगा। यहाँ पर इसका एयर फिल्टर होता है, देखते कंडीशन कैसी है, चेंज करने वाली है या इसको क्लीन कर देंगे, सब उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले इसका इंजन ऑयल खोल रहे हैं, यह पे इसका नट है ना, इसको खोलेंगे। अभी देखना कितना ब्लैक होके निकलेगा, 2,500 किलोमीटर चल चुकी है लास्ट सर्विस के बाद, कितना ब्लैक हो चुका है। यहाँ पे होती है इसकी ट्यूनिंग रेस एंड जो एवरेज का होता है ना, यहाँ पे इनका पॉइंट होता है। ये आप कम से कम छुड़वाओ तो ज़्यादा अच्छा है, जितना इसको छुड़वाओगे ना तो उसमें आपकी इंजन की ट्यूनिंग खराब होगी। अगर एक बार एवरेज सेट हो गई तो बार बार मत कराओ, वो इसको चलने तो जैसे भी है। बाकी जो हर सर्विस पर जरूरी होती है ना वो इसका इंजन ऑयल होता है, एयर फिल्टर एंड स्पार्क प्लग, एक सेकेंडरी फिल्टर होता है यहाँ पे, ये भी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपको। अगर ये सारी चीज़ें इसमें ओके है ना, हमेशा आपके टाइम पे सर्विस हो रही है, तो आपको परफॉर्मेंस में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी एंड चलाओ भी आप इसको डिसेंट तरीके से, तो आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी इसकी। अब एयर फिल्टर खोल रहे हैं इसका, देखते हैं इसकी कंडीशन भी कैसी है, चेंज करने लायक है या जो भी होगा देखते हैं। और ये भी खोले क्लीन करोगे ना, शोरूम पे करते हैं ताकि ये गाड़ी हल्की चले। हाँ, जैसे शोरूम पे हर सर्विस पे क्लीन करते हैं ना इसको। अब जब 55,000 किलोमीटर चल चुके हैं, फर्स्ट टाइम इसकी मैं सर्विस करवा रहा हूँ बाहर से। ये एयर फिल्टर कंडीशन है, कंडीशन सर ये चोक हो रहा है फिल्टर। अच्छा, इसमें अगर धूल होता तो इसमें एयर लग जाता, पर ये चोक हो रहा है अभी। ठीक है ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। इसको सेम मिल जाएगा ना, यही ओरिजिनल ऑयल जिसमें लगा होता है अंदर। हाँ, तो इसमें हम ओरिजिनल डलवाएंगे भाई, इसको भी पूरा अच्छे से क्लीन कर देना। ये जो एयर इनटेक होती है ना, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, ऐसे ही आपके व्हीकल जो भी हो यहाँ से क्लीन एयर अंदर जाती है, ताकि फ्यूल कंबशन जो होती है वो प्रॉपर हो एंड वो फिल्टर जो होता है उसमें से एयर पास होकर जाती है, ताकि बाहर की जो मिट्टी है ना वो अंदर ना जाए। इसलिए हमेशा ये चीज़ें भी बिल्कुल टाइम पे क्लीन करनी चाहिए। तो ये है इसका एयर फिल्टर, होंडा का बिल्कुल ओरिजिनल है, आप देख सकते हो होंडा के यहाँ पे पूरा लिखा भी हुआ है सब कुछ यहाँ पे। तो मैं यही इसमें डलवाने वाला हूँ। तो भैया इंजन ऑयल भी दिखा दो कौन सा डलेगा इसमें। तो देखो ये नया फिल्टर है एंड जो ये जो पुराना निकला है इसके अंदर से वो ये वाला है। एंड इसमें आप देख सकते हो ब्रांड भी बिल्कुल सेम है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड आप दिखाना भैया कंडीशन दिखाना। देखो ये नए और पुराने की कंडीशन है, देख सकते हो आप, जो ये मेरा चौक हो चुका है पहले, क्योंकि डस्ट होती है ना बाहर, इतनी पोल्यूशन होता है, सब उड़ उड़ के जाता है, तो इसमें से क्लीन होके वो एयर यहाँ से अंदर इंजन में जाती है एंड अब हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसी कंडीशन देखो और इसके देखो कितना डिफरेंस, ये लगता है कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे ऐसे लगता है, ये यहाँ पे इसका नट बोल्ट कसता है एंड इस पर ना थोड़ा थोड़ा ऑयल भी लगा होता है, वो लग के आता है इस पर, ताकि मिट्टी यहीं बाहर चिपक जाए, अंदर के साइड पे बिल्कुल ना जाए। तो इसमें डलवाने वाला हूँ मैं मोबाइल का इंजन ऑयल, मैंने पहले भी ये डलवाया था एंड सिंथेटिक इंजन ऑयल है ये, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, पिकअप में काफ़ी फ़र्क आ गया था, तो अभी मैं यही डलवा रहा हूँ क्योंकि परफॉर्मेंस की वजह से। ये जो है इसको बोलते हैं डिपस्टिक, इससे चेक होता है कि आपका इंजन ऑयल का लेवल कितना है।
यहाँ तक इसमें ऑयल आना चाहिए, अगर यहाँ तक है तो इसका मतलब इसमें पूरा डल चुका है। तो आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे आ चुका है, कर रहा है। ठीक है भैया कर दो। प्लग दिखाना इसका जो निकला है, अभी इसका स्पार्क प्लग निकाल रहे हैं कैसी कंडीशन है, तो वो देखने के बाद पता चल जाएगा चेंज करना है या उसको क्लीन कर सकते हैं। तो भाई स्पार्क प्लग देख लो कंडीशन कैसी है, ये इसको ब्राउन कलर बोलते हैं बेसिकली, एंड जो ऊपर टिप पे होता है ना ये कलर मैटर करता है। अभी काफ़ी गर्म हो रखा है क्योंकि चल के आई ना अभी स्कूटी, तो इसका मतलब है कि स्पार्क प्लग बिल्कुल ओके है, परफॉर्मेंस की कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ब्लैक होता ना ऊपर टिप पे तो हमें इसके चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती एंड इसकी ट्यूनिंग भी सेट करने की रिक्वायरमेंट होती, बट अभी ये ब्राउन है तो इसका मतलब इसकी एवरेज वगैरह बिल्कुल सही है। एंड ये दूसरा स्पार्क प्लग है किसी और स्कूटी का निकाल के दिखाया, आप देख सकते हो ये कितना काला हो रखा है, यहाँ पे ऑयल भी लगा हुआ है एंड ये मेरे वाला है, यहाँ पे ड्राइनेस भी है पूरी एंड ऊपर ब्राउन कलर है। तो यार ये इंडिकेट करता है कि परफॉर्मेंस कैसी है स्कूटी की। तो भैया ये वापस लगा दें इसको क्लीन करके, इसको थोड़ा साफ होगा, रेग मार लगेगा इसमें, इस पर सैंडिंग करके थोड़ी सी सैंड पेपर से इसको क्लीन करके इसको वापस हम लगा देंगे, तो इसको रिप्लेस करने की इसकी जरूरत नहीं है। जबरदस्ती चेंज करने की रिक्वायरमेंट जो नहीं है यार, कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से, जो चल रही है उसको चलाते रहो, जब फॉल्ट आ जाए कोई शॉर्ट हो जाए तब तो समझ में भी आती है बात। तो ये 3M का 4-way स्प्रे है, इससे जितनी भी रस्टिंग होती है ना इसकी वो क्लीन कर देंगे अच्छे से, एंड जहाँ पे भी इसके जो जॉइंट्स हैं इनमें सब में स्प्रे करेंगे, तो जो भी आवाज़ आती है या थोड़ा सा भी रस्टिंग होगी वो सब इससे निकल जाएगी, बाहर सारा काम होने के बाद वॉशिंग पे जाएगी है, देन सारा इसका फाइनल हो जाएगा। तो सर देख सकते हो सारा का सारा कालापन बाहर आ गया स्प्रे लगाते ही ना, इससे जितनी भी अंदर रस्टिंग होगी या जो भी कार्बन बनता है ना वो सारा कार्बन इससे बाहर आ जाएगा। हाँ इसका सेकेंडरी फिल्टर है ये भी क्लीन कर दो, ये भी जरूरी फिल्टर है, जैसे वो मेन फिल्टर है ना ये सेकेंडरी फिल्टर है, ये भी जरूरी होता है, ये भी हर सर्विस पे कराया करो। सेकेंडरी फिल्टर कंडीशन तो कैसे हो रखी है, दबा पड़ा ना पूरा का पूरा, शेप ही बिल्कुल चेंज हो चुकी है इसकी, तो ये भी इसमें न्यू डलेगा, तो अभी इसको रिप्लेस करा देते हैं। ये सेकेंडरी फिल्टर है, यहाँ से इसका एयर इनटेक होता है जो यहाँ से इंजन के पास जाता है, ये कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये इसका सेकेंडरी फिल्टर है, ये भी होंडा का ही है देख लो। लॉक जो है ना प्रॉपर बंद होना चाहिए जी। ये देखो अभी इसमें कटक आवाज आएगी ना, इसमें पिछले वाले ब्रेक थोड़ा सा इसमें लूज है वो देख लेना, अभी इसमें इतना मार्जिन बचा हुआ है, इसमें अभी टाइट हो सकता है, जब यहाँ तक पहुँच जाएगा ना ये चीज़ तो मतलब ब्रेक शू चेंज होने का टाइम आ चुका, जितना यहाँ पे ज़्यादा स्पेस होगा ना उतना ब्रेक शू भी टाइट हो सकता है। तो भाई बाकी सारा काम हो चुका है, देखो इसमें एयर फिल्टर चेंज हो गया, स्पार्क प्लग बिल्कुल हमने साफ करा दिया अच्छे से क्लीन हो गया, वो इंजन ऑयल इसमें चेंज हो गया, सेकेंडरी फिल्टर भी चेंज हो चुका है, अब रहता है क्लच वाला एरिया, इसमें डस्ट वगैरह बहुत आ जाती है क्योंकि जब स्कूटी रन करती है इसी के अंदर बेल्ट होती है, अभी इसको पूरा क्लीन करेंगे खोल के ना, राउंड इसमें 5-6 नट होते हैं ऐसे राउंड में लगे होते हैं, तो ये सारे नट खोलने पड़ते हैं। तो आप देख सकते हो भाई ये पूरा का पूरा इसमें, ये देखो ये बेल्ट होती है ये लगी हुई है ना, इसको क्लच सिस्टम बोलते हैं पूरा का पूरा, तो ये पूरा क्लीन होना चाहिए हर सर्विस पे। अब देखो तो कितना इसमें ब्लैक ब्लैक है, ये देखो कितना ब्लैक ब्लैक है, तो सब चीज़ अच्छे से क्लीन हो जाएंगी ना, तो परफॉर्मेंस ये सब चीज़ें मिला के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट देती हैं। अब देख सकते हो भाई अंदर कितना इसमें कार्बन जमा हुआ है, अब इसको पूरा क्लीन करेंगे अच्छे से ना, सैंड पेपर से इसको क्लीन कर रहे हैं अच्छे से ताकि जितना भी कार्बन जमा हुआ निकल जाए सारा, कितनी गंदी हो रखी है ना, वॉशिंग होगी तो एकदम चमकेगी। जितने भी ये इसमें रिंग्स लगे हुए हैं ना इन सबको हम ग्रीसिंग करके क्लीन कर दिया, ग्रीसिंग करके वापस इसमें लगाएंगे, इससे और स्मूथनेस हो जाएगी, जितनी वाइब्रेशन है ना स्कूटी के अंदर जैसे जो भी वाइब्रेशन होती है रेस देते वक्त वो इससे काफ़ी कम हो जाती हैं, इसलिए इसको हर सर्विस पे क्लीन करा लिया करो। कई लोग इसको करवाते नहीं है भाई, सोचते हैं कि क्या जरूरत है खुलवाने की, तो मैं शोरूम पर भी इसका हर टाइम हुआ है, जितनी बार शोरूम पर हर सर्विस पर इसको क्लीन किया गया है, एंड बाहर जैसे मैं फर्स्ट टाइम बाहर लेकर आया हूँ तो मैं यहाँ पर भी ये पूरा करवा रहा हूँ, जैसे शोरूम में काम होता है ना बिल्कुल अपने सामने वैसे ही यहाँ पे करवा रहा हूँ मैं, ताकि परफॉर्मेंस में कोई इशू ना आए। इसमें भी कपड़ा लगा देना सर।
बेल्ट होती है, इसकी लाइफ होती है 25,000 to 30,000 किलोमीटर। लास्ट जो इसकी बेल्ट चेंज हुई थी वो 35,000 किलोमीटर पे हुई थी चेंज, एंड अभी ये 55 चल चुके हैं। अभी इसी कंडीशन ओके है, अभी ये 5,000 अप्रोक्स और चल सकती है। एंड ये जो बेल्ट है इसकी कॉस्ट रहती है अराउंड 550-600 के आसपास। वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर आपके भी कोई स्कूटी में कभी चेंज होनी हो तो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी कॉस्ट। क्लच शो होता है ये, अगर ये पूरा घिस जाएगा ना तो ये रिप्लेस करना पड़ जाता है, बट अभी ये आराम से चल जाएगा काफ़ी। तो अगर आप इसको रफ चलाओगे, जैसे कई लोग होते हैं एकदम रेस देते हैं, एकदम ब्रेकिंग करते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल खत्म हो जाती है। इस वजह से परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है, पिकअप खत्म होती है, फिर वो पिस्टन पर लोड आता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो। चमक गया ना, पहले अंदर काफ़ी मिट्टी भरी हुई थी और उसके ऊपर हमने ग्रीस लगा दी। ये होती है जो केक अंदर घुमाता है ना, अंदर ये चैनल सा बना हुआ है, ये फ्री हो जाएगा बिल्कुल, देख रहे हो ये फ्री हो रहा है बिल्कुल। तो उसको पूरा अच्छे से पैक कर दिया है, सारे इसके नट्स प्रॉपरली बंद हो गए हैं एंड ये ग्रीसिंग भी हो चुके हैं। अब ये करके दिखाना केक नीचे, तो ये एकदम फ्री हो गई ना, अब अपने आप एकदम ऊपर आती है। पहले भी ऊपर आती थी बट स्पीड ऑफ तेज हो गई थोड़ी सी, तो सर्विसिंग पे ये काम भी जरूरी होता है। तो कंप्लीट हो गया सारा काम इसका, ब्रेक्स वगैरह सारे ओके हो चुके हैं, इंजन ऑयल चेंज हो गया, दोनों एयर फिल्टर इसके चेंज हो चुके हैं, मतलब ये वाला और सेकेंडरी वाला, ब्रेक्स इसके सेट कर दिए, क्लच सिस्टम भी पूरा क्लीन हो चुका है। तो मेन सारे काम हो गए हैं, अब सिर्फ वॉशिंग रह गई है। भैया का ना वॉशिंग सेंटर थोड़ा सा पीछे की साइड पे है, तो मैं साथ में बैठ के जा रहा हूँ। वॉशिंग ना हो तो फिर यार फीलिंग नहीं आएगी ना कि यहाँ पूरी सर्विस होकर आई है। हेलमेट की जरूरत है तो वो मेरे वहीं रखा है हेलमेट शॉप पे। इतना दूर क्यों बना रखा है वॉशिंग वाला, पास में रख रखना चाहिए। अच्छा ये इनका वॉशिंग सेंटर है भाई, बड़ा अंदर बना रखा है। तो भैया अब इसकी होने वाली है वॉशिंग। तो भाई वॉशिंग डन हो चुकी है इसकी, अब पॉलिश कर रहे हैं इसको। जितने भी ब्लैक पार्ट्स होते हैं ना, प्लास्टिक बॉडी हो गया और जितने टायर का राइट साइड पार्ट होता है वो सारा इसमें पॉलिश होगा। बाकी जो जो मेन काम है सर्विस वाला वो सारा हो चुका है। एंड अब थोड़ा लग रहा है भाई हाँ क्लीन होने के बाद, भाई यही चीज़ तो मेन होती है सर्विस पे, सारा कुछ चेंज होना और प्लस वॉशिंग। देखो वॉशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जितने भी आपके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना व्हील के आसपास, हर एक चीज़ के आसपास जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना, सारे जॉइंट्स क्लीन रहेंगे तो आवाज़, ये जो चींची आवाज़ करती है ना कहीं कहीं, तो वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो अगर क्लीन ब्रेक होगा ना तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है परफॉर्मेंस का, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो भाई सारा काम इसे कंप्लीट हो चुका है, पॉलिश भी हो गई है एंड फाइनल लुक्स आप देख लो। अभी आप थोड़े बहुत जितने भी यहाँ पे स्क्रैच लगे हुए हैं ना, मैं घर पे इसको रबिंग कंपाउंड में रखा हुआ है, तो वो मैं सारे इससे क्लीन कर दूंगा, बाकी सारा काम इसे कम्प्लीट हो चुका है। तो भाई सारा काम अपना हो चुका है एंड अब हम डिस्कस करेंगे टोटल सर्विस कॉस्ट इसमें कितना आया है। तो जो इन्होंने चार्ज किया है वो इंजन ऑयल 350 रुपए का, सर्विस चार्ज इन्होंने 250 रुपए एंड एयर फिल्टर के 219 रुपीज लगाए हैं एंड सेकेंडरी फिल्टर के जो चार्जेस लगाए हैं वो 40 रुपीज एंड इन्होंने क्लच कवर को ओपन करने के लिए जो पैसे लगाए हैं वो 150 रुपीज लगाए हैं एडिशनली एंड टोटल जो इन्होंने मेरा बिल बनाया वो 1009 रुपीज का बनाया, बट मैंने जो इनको पे किया है वो 700
₹150 पे किए हैं फाइनल। कुछ कुछ रेट उन्होंने रेट्स थोड़े ज्यादा लगा रखे थे, जैसे क्लच कवर का ₹150 लगाया है, जो कि लेबर चार्ज में ऑलरेडी इंक्लूड होता है, बट वो डबल कॉस्टिंग हो गई एक तरह से, ₹150 लगे उसके चार्ज ले रहे हैं एंड ₹250 लेबर चार्जेस। हेयर फिल्टर के जो चार्जेस लगाए हैं वो लगाए हैं ₹219, जबकि उसका MRP था ₹220। तो यार अगर शोरूम पे लोगे तो वहाँ पे भी कम से कम 5% ऑफ मिलता है, एंड यहाँ पर सेम रेट लगा रखा था तो मैंने वो भी लेस करवाया। एडिशनल कॉस्ट देने का कोई मतलब नहीं बनता, एंड लेबर कॉस्ट वहाँ पे ₹150 लेस हो गए, एंड ₹20 सीधा जो एयर फिल्टर के चार्ज एक्स्ट्रा वो भी मैंने कम करवाया, एंड इंजन ऑयल का जो उन्होंने कॉस्ट लगाया वो ₹350 लगाया टोटल, जो मार्केट के अंदर अराउंड 300 के आसपास मिल जाता है। तो जो टोटल बिल था वो ₹1,009 का था, एंड फाइनल पेमेंट मैंने ₹700 दिए, एंड जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया सब कुछ ओरिजिनल डलवाया, एंड इंक्लूडिंग लेबर कॉस्ट मैंने टोटल पेमेंट ₹700 की किए यहाँ पे। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, होप करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी ऐसा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट बड़ी ऐसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।